अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक, खुश बात होंगे। जो कलरफुल जो आइस क्यूब्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आप भी बना के रखने वाले हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, नंबर वन आपको चाहिए कोकम्बर, पोटैटो, टमाटो एंड लेमन। इसके सारे चीज़ों के बेनिफिट्स, पहले टोटल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। ये एक्निंग्स को काम करेगा, जिनकी छाइयाँ हैं, जिनको छाइयों का बहुत ज़्यादा मसला है, जिनके एक्निंग के निशान हैं और जिनके स्किन पे टैन मौजूद है, वो सारा कुछ ख़त्म करेगा ये चार चीज़ों से। आप घर में होममेड इसे ब्लीच कह लें, ये नेचुरल ब्लीच है। इन चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने वो न्यूट्रिशंस, वो विटामिन्स रखे हैं जो हमारी स्किन को प्रॉपर ग्लो करते हैं, हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स ख़त्म करते हैं। और नंबर टू पे अब बात करते हैं जी, और इसके मज़ीद जो बेनिफिट्स हैं, वो पोर्स को काम करेगा, रिंकल्स को काम करेगा, स्किन पे ग्लो लाएगा और जी विटामिन सी मौजूद होता है। एंटी एजिंग के लिए ये मास्क जो हम बनाने वाले हैं, ये बहुत बेस्ट है। आपने देखा, मैंने इसका सबसे पहले खीरे का जूस निकाल लिया। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं आलू छीलते छीलते हम इसके बेनिफिट्स की बात करें। खीरे ने हमें क्या क्या बेनिफिट्स देने हैं, इसने डार्क सर्कल काम करने हैं, जो हमें गंदी आदतें पड़ी हुई हैं ना, रात जागने की, उसकी वजह से मेरी अपनी आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा सर्कल आते हैं। तो फिर रेमेडीज यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, तो फिर मैंने सोचा इसको क्यूब्स बना के रख लेती हूँ कि डेली इतना टाइम नहीं होता कि सारे जूस निकालें और लगाएँ मुँह पर, क्यों ना एक हफ्ते का ही पूरा बना कर रख लिया जाए और डेली एक क्यूब निकालें और उसकी फेस पे मसाज के तौर पे क्यूब को पकड़ के लगा लें, या उसको जी बाहर आप प्लेट में भी रख सकते हैं, तुम्हें पता ही है, फिर आप बाहर रखेंगे तो वो हो जाएगी मेल्ट, तो फिर आप फिर मुंह पे लगा लेंगे, तो फिर इस तरह जी वो हम उसको पानी यूज़ कर सकते हैं। और जी ये एक्ने कंट्रोल करता है, इसमें वाटर जो का इनटेक 96% होता है। हाँ, तो देखें कितना ज़्यादा इसमें पानी, हमारी स्किन जब ड्राई होती है ना तो तभी ज़्यादा मसले आने शुरू हो जाते हैं अंदर की, बेशक मिनरल्स विटामिन की भी कमी इसके हमारी जो होती है वो मुंह पे जाहिर हो रही होती है। जिनको है मसला कॉन्स्टिपेशन का, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। आप इसको खाने में जब भी खाना खाने लगे सलाद के तौर पर काट के रख लें और खाएं, ठीक है जी, रखना ही नहीं है, खा भी लेना है। चलिए अब करते हैं पोटैटो की बात। पोटैटो हमें क्या क्या बेनिफिट्स देगा इसमें जी, जिनकी स्किन हो जाती है ना बहुत ज़्यादा ख़राब गर्मियों की वजह से, जिनके स्किन पे टैन आ जाता है, ये उसको रिमूव करता है। नंबर टू, इसमें विटामिन सी मौजूद होता है। नंबर थ्री, ये फेस को निखारता है। नंबर फोर, ये एंटी एजिंग है। ओके जी, और भी इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, वो मैंने आप अगर इसको आलू को छील के दो के वैसे कद्दूकश कर लेंगे वो भी अच्छा है, अगर आप इसको छील कर करना चाहते हैं जी वो आप पे डिपेंड करता है। आपने इस साइड को साफ़ करना है, यानी कि अगर आपने इसको जब कद्दूकश को मैं साफ़ कर रही थी, आपने पीछे देखा ही है कि मैंने आपको बताया, ऑपोजिट साइड से इसको साफ़ करना, जिस साइड को हमने कद्दूकश किया उस साइड से साफ़ नहीं करना है, अभी हाथ पे लगा हुआ ना लेना, तो रेमेडी यूज़ करते करते। तो अब हम इसका निकाल देते हैं अच्छी तरह। ये मैंने मलमल के कपड़े में डाल दिया इसको, अब इसका भी जूस निकाल लूँगी। आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है, आप कोई भी बरीक कपड़ा ले लें उसमें डाल कर कर लें। अगर कोई बरीक कपड़ा भी नहीं मिल रहा जी, आपने पोनी लेनी है, पोनी लेके उसमें डाल लेना और ऊपर से स्पून के साथ इसको प्रेस करना है, तो इसका कुछ इस तरह जूस निकल आएगा। अब हम करते हैं खीरे, खीरे का जो जूस निकाला उसको मैंने ये देखा थोड़ा इसमें क्यूब्स में डाल लिया। अभी फ़िलहाल मैंने सोचा पहले मैं इसको सेव कर लूँ, थोड़ा सा मैंने ये देखे इसमें डाल के सेव कर लिया है। ये जी मैंने जो जो पानी फल वाली आपको पता नहीं वीडियो देखी थी या नहीं देखी, वो मैंने उसका आपको बताया था मैंने किस तरह मास्क रिंकल्स के लिए यूज़ किया, मैंने जो उसका जी जो बचा था वो डाल के सेव किया था मैंने। तो अब हम करेंगे लेमन, जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। इसको अब मैं काटने लगी थी तो बहुत हार्ड था, मैंने फिर इसको थोड़ा सा प्रेस किया। कैसे प्रेस करना है इसको, हम ये किसी हार्ड चीज़ पे ही प्रेस हो गया, ऐसे दो तीन दफ़ा हमने इसको रब करना है। अगर नहीं हो रहा तो आपने इसको ज़मीन पे रब कर लें या फिर ओवन में थोड़ा सा इसको गर्म कर लें, तो इसका जूस काफ़ी अच्छा निकल आता है। वैसे ये हार्ड लेमन कोई जूस नहीं देगा आपको, आप अगर कुछ ती करके इसके साथ इसको काट तो लेंगे ना तो जूस नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर से, इसलिए हमने तो जूस निकालना है। तो ये देखना, मैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर वाला पार्ट काट के जूस निकाल के दिखाती हूँ, इतना माशाल्लाह निकल आता है कि मुझे हाफ भी नहीं मैंने दिया, सिर्फ ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट काटा है, बाकी देखें कितना ज़्यादा उधर पड़ा हुआ है ट्रे में। चले जी, अभी देखें इसके जूस के कितने जितने ड्रॉप्स मुझे कुछ चाहिए वो निकल आए हैं। अब इसके लेमन के बेनिफिट्स की बात कर लें, इसने हमें इधर क्या क्या बेनिफिट्स देने हैं। इसमें भी विटामिन सी मौजूद होता है और जी ये मैजिकल इंग्रेडिएंट है इसमें। और इसमें हमने कर दिया है शामिल टमाटो का जूस, इसमें बीज भी साथ जाने दिए मैंने अंदर। नंबर वन, अब हमने फोर इंग्रेडिएंट्स हमारे पूरे हो गए हैं, लेमन, टमाटो, पोटैटो, कोकम्बर।
ठीक है। 4 इंग्रेडिएंट्स को अब हमने इनके सबके एक एक स्पून डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसमें मैं टमाटर का जूस भी आप कद्दूकस करके भी निकाल सकते हैं या ऐसे दरमियान में छुरी के साथ काट के भी निकाल ले तो निकल जाता है। तो अब मैं इनको हाथों पे, फेस पे, पाँव पे, नेक पे अप्लाई करूँगी। आप भी इसको अप्लाई कीजिए और अपनी एक्ने कंट्रोल करें। नंबर 2 अपनी छाइयाँ कम करें। नंबर 3 पोर्स कम करें और अपनी स्किन ग्लो करें। टमाटर के जूस की बेनिफिट्स का आपको मैंने बताया है कि नहीं, चलें आप बता देती हूँ। रिंकल्स कम करता है, पोर्स को कम करता है, एक्ने कम करता है, स्किन ग्लो करता है। ये सब ही इंग्रेडिएंट्स मिलते जुलते, मतलब ये सारे बेनिफिट्स रखते हैं। आपको पता था पोटैटो और विटामिन सी मौजूद है, तो लेमन में भी मौजूद था। इस तरह की आपकी स्किन को देखें, एक ही क्यूब से आपके स्किन को कितने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने इसको बना के एक हफ्ते के लिए सेव कर लेना, जैसे मैंने आपको दिखाया स्टार्ट में मैंने कैसे सेव किया है। मैं आप इसको फेस पे अप्लाई कर रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ज़्यादा ये गंद डल जाता है एक रेमेडी रिकॉर्ड करने के लिए, तो जाहिर बात है जब हम इतनी मेहनत करते होते हैं हम अपने फेस पे भी अप्लाई करते होते हैं। ऐसे आपको नहीं सिर्फ दिखाने के लिए बनाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।